नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा और एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। एसबीटी न्यूज ने सबसे पहले किया था युवराज भदाने का पर्दाफाश, देखें हमारी आगे की रिपोर्ट। एसबीटी न्यूज ने युवराज भदाने का सबसे पहले पर्दाफाश किया था और जनता को सच्चाई प्रधान बताया था कि कितना अय्याश है भदाने। उस पर स्त्रियों के साथ वाली फोटो को भी वायरल किया था। इस न्यूज को उल्लासनगर व पुणे जिले ने प्रतिसाद दिया है और हमारी सच्चाई के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत 99% लोगों ने इसमें हमारा साथ दिया है, इसलिए एसबीटी न्यूज आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार है। ऐसे ही भ्रष्टाचारियों का हम पर्दाफाश करते रहेंगे। हमारी अगली न्यूज में हम आपको भदाने के सहयोगियों के बारे में बताएंगे जो उनको भ्रष्टाचार में साथ देते थे। ऐसे ही सरकारी वन जमीनों पर जो अवैध कब्जा करते थे, अवैध निर्माण में ऐसे प्लॉट नंबर 39 ओटी सेक्शन उल्लासनगर के बारे में हम आपको पूरा सच बताएंगे। जय उर्फ जय किशन उर्फ टिंगू, प्रीतम कुकरेजा, अशोक चावला, विक्की उचलानी, अनिल गुप्ता, सुशील उदासी, हनीश चावला, अनिल पमनानी, इन्होंने जालसाजी से सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण किए हैं। सभी जगहों के खुलेंगे राज, बस देखते रहिए एसबीटी न्यूज। सोनू जलान सहित 6 लोगों पर होगी मकोका अंतर्गत कार्रवाई, देखेंगे रिपोर्ट। सट्टेबाजी के मामले में ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया सोनू जलान और रवि पुजारी सहित 6 आरोपियों को मकोका के तहत कार्रवाई चल रही है। ये मामला सट्टेबाजी से हटकर एक व्यवसाय से 25 लाख रुपए की वसूली करने और फ्लैट की पावर ऑफ अटर्नी जबरदस्ती लेने का हो गया है। ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में 1 जून को दर्ज मामले में सोनू के साथ अंडरवर्ल्ड सरगना रवि पुजारी, मुनीर खान जूनियर कोलकाता और किरण माला और केतन तन्ना को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार सोनू और उसके साथियों ने बोरीवली निवासी व्यापारी रितेश शाह को फोन किया और धमकी देकर 3 करोड़ रुपए की मांग की। रुपए ना मिलने पर 22 जनवरी को फरार आरोपी केतन तन्ना रिवॉल्वर की नोक पर शाह को ठाणे से गाड़ी में बिठाकर मलाड ले गया। वहां जान से मारने की धमकी देकर कांदीवली स्थित फ्लैट की पावर ऑफ अटर्नी चिराग वजलानी के नाम पर कर ली गई। शाह को धमकाकर सोनू ने 25 लाख रुपए भी लिए। दूसरी तरफ सोनू को गुरुवार को एक बार फिर ठाणे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने सोनू को पुलिस हिरासत को खत्म करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कीर्ति व्यास की लाश उच्चार के वक्त बहाई गई, दिखेंगे रिपोर्ट। कीर्ति व्यास हत्याकांड में कुछ नए खुलासे हुए। मुंबई क्राइम ब्रांच का दावा है कि मुख्य आरोपी सिद्धेश ने 4 महीने पहले जिस व्यक्ति कीर्ति की लाश को नाले में फेंका था उसे पहले पता था कि एक हाई टाइड का समय है। कीर्ति की 16 मार्च की सुबह चलती कार में हत्या की गई थी। सिद्धेश ने खुशी सजवानी नामक सह आरोपी के साथ मिलकर उसी रात कीर्ति की लाश माहुल के नाले से फेंक दी थी। सिद्धेश को पता था कि हाई टाइड में समुद्र का उफान इतना ज्यादा होता है कि बहाई गई लाश वापस नहीं आ सकती। एक अधिकारी के अनुसार सिद्धेश का माहौल के नाले के बारे में इसलिए पता था क्योंकि वह अतीत में उस इलाके में रह चुका है। इस अधिकारी का कहना है कि यदि लाश को किसी बोरी या बैग या सूटकेस में रखा गया होता तो उसके मिलने के कुछ प्रतिशत संभावना भी रहती, पर आरोपियों ने कत्ल के बाद लाश को कार से निकाला और सीधे बहते नाले में फेंक दिया। कीर्ति की लाश को ढूंढने के लिए कोशिशें करीब 3 सप्ताह तक चली। इसके लिए क्राइम ब्रांच की यूनिट 1, यूनिट 4 और यूनिट 7 की टीमों को लगाया गया। यूनिट 2 को टीम को केस में इन्वेस्टिगेशन का काम सौंपा गया। लाश ढूंढने के लिए क्राइम ब्रांच ने बीएमसी, कोस्ट गार्ड और लोकल मछुआरों की मदद भी ली। एक मछुआरे ने बताया कि उनके यहाँ किसी लाश को देखना अपशगुन माना जाता है, इसलिए यदि किसी मछुआरे ने लाश को देखा तो वह पुलिस को सूचित जरूर करता है। डॉक्टर रामास्वामी एन ने केंद्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के तंत्र की समीक्षा की, देखेंगे। भारतीय हवामान विभाग द्वारा 9 से 11 जून 2018 इस समय की अवधि में बाढ़ आने के संकेत दिए गए। इस पृष्ठभूमि में वापस नवी मुंबई महानगर पालिका के सभी अधिकारी कर्मचारी इनको सतर्क रहने का आदेश महापालिका आयुक्त डॉक्टर रामास्वामी एन ने दिया गया। वह आपातकालीन यंत्रणा के साथ सुसज्जित रखने के आदेश किए गए। महापालिका मुख्यालय के केंद्रीय आपत्ति व्यवस्थापना कार्यवाही केंद्र के लिए तत्काल यात्राओं को वह यात्रण में गंभीरता से जांच करें और उस समय उनके साथ अतिरिक्त आयुक्त शह श्री मोहन डंगवाकर, आपत्ति विभाग के सहायक आयुक्त दिवाकर समेत उपस्थित रहे।
मुख्यालय में 365 दिन रात तैनात होने वाली केंद्रीय तत्काल कार्य केंद्र मंत्रालय, जिला अधिकारी कार्यालय, रेलवे में ऐसे 10 महत्वपूर्ण कार्यालय स्थानों पर तत्काल संपर्क के लिए 10 हॉटलाइन परिचालन कर रहे हैं। इस तरह से नागरिकों के लिए सुझाव शिकायतें करने के लिए 1800-222-309 व 1800-222-310 ये दो टोल फ्री नंबर स्थायी रूप से उपलब्ध हैं। ये दो टेलीफोन नंबर 2756-7060 और 2756-7061 भी उपलब्ध है। इसके अलावा एक अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिक मौसम उपकरण जो अत्यधन मौसम व मौसम की जानकारी प्रदान करता है, और यदि संचार प्रणाली बंद हो जाती है तो HAM रेडियो सेट के संपर्क से प्रभावी माध्यम है। तो इतने दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी एनजी डोगरा के साथ। SBT News, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।